हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जनवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर के प्रश्न है वो इसमें डिस्कस करेंगे। खासकर ये जो प्रश्न है आपके, ये आपका जो RRB ALP का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी तैयारियों में लगे हुए होंगे तो आपकी तैयारी करंट अफेयर सेक्शन की बूस्ट करने के लिए ये जो आपके 40 प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे ये रेलवे के टेस्ट के अकॉर्डिंग है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हु वॉन द रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी अभी अभी किसने जीती है, फर्स्ट टाइम उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है, किसको हराकर, दिल्ली को हराकर। तो किसने जीती है ये ट्रॉफी, जीती है विदर्भ ने। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। पहली बार इन्होंने दिल्ली को हराकर, फाइनल में हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। जो इस मैच को जिताने वाले व्यक्ति थे वो थे रजनीश गुरबानी, उन्होंने 6 विकेटें ली थी जिसमें उनकी एक हैट्रिक भी शामिल थी, ठीक है। और एक प्लेयर अक्षय वाडेकर जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी विदर्भ की साइड से। तो ये कब हुआ था, दिसंबर 30 2017 को। तो विदर्भ पहली बार चैंपियन बना है रणजी ट्रॉफी का। नेक्स्ट है हाउ अप टू हाउ मच रुपीज फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट देयर विल बी नो चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड ट्रांसैक्शन। तो आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नया रूल आया है कि आपका जो डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, मिनिमम किससे ऊपर जो है चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा ये आपको बताना है। तो आप यदि आप डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन, चाहे वो फोन पे है, चाहे कोई UPI है, चाहे कोई भीम ऐप है, उससे यदि आप 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, 2000। और ये कब से हुआ, जनवरी 1, 2018 से कस्टमर विल नॉट हैव टू पे एनी ट्रांसैक्शन चार्जेस फॉर पेमेंट मेड थ्रू डेबिट कार्ड, भीम ऐप एंड आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम फॉर अप टू 2000। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट गेल इंडिया लिमिटेड हैज कमीशन्ड इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट रूफ टॉप सोलर सिस्टम प्लांट। तो गेल कंपनी है जो गैस की कंपनी आप सभी जानते हैं भारत की, तो वह भारत के अंदर दूसरा अपना सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने वाली है। तो कौन से क्षेत्र में वह लगाएगी, ये लगाएगी वह उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसका प्लांट है पाटा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर ये प्लांट लगेगा। तो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर प्लांट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इस रूफटॉप से 79 लाख किलोवाट आवर और यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। फिर एक बात, कहां पर ये लगेगा ये प्लांट, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट लॉन्च्ड चाह बागीचर धन पुरस्कार मेला 2017। तो कौन से राज्य ने चाह बागीचार धन पुरस्कार मेला 2017-18 अभी शुरू किया था, तो ये किया था आपका असम ने। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, असम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे कैरिड आउट बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। भाई अभी अभी आपने देखा होगा, आप गलियों से गुजरते होंगे या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के सामने से गुजरते होंगे तो आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई दिखती होंगी कि उसमें क्या लिखा था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे। इसके अंदर क्या होगा, टोटल 4041 सिटीज को रखा जाएगा जिनको रैंक्ड किया जाएगा उनके सफाई के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर लिए जाएंगे, लाइक सैनिटेशन हो गया, ठीक है, उस क्षेत्र में कितनी सफाई है, ये सारे पैरामीटर ध्यान में रखे जाएंगे। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 है इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल 2018। साइंस फिल्म फेस्टिवल 2018 कौन से स्टेट में होगा, ये होगा आपका गोवा में। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, 2018 का साइंस फिल्म फेस्टिवल होगा गोवा के अंदर।
Name the platform launched by the government to get suggestions from citizen of India from all walk of life. देखिए भारतीय गवर्नमेंट चाहती है कि उसका इंटरेक्शन जो लोगों के साथ है बहुत ही अच्छा बना रहे, तो इस पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है सिटीजन्स के लिए, जिसपे वो अपनी गवर्नमेंट को राय दे सकते हैं. तो आपको बताना है वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो है माई जी ओ वी, यानी कि माई गवर्नमेंट. ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 300 इन T20 इंटरनेशनल. इसको ऐसे मत पढ़िए 300 की एक ही मैच में 300 मारे हैं, T20 मैच के अंदर उसने तीन सेंचुरीज मारी है. तो कौन सा प्लेयर है वो आपको बताना है. और वो पहला ऐसा प्लेयर बना है वर्ल्ड का जिसने ये कारनामा करके दिखाया है, तो वो है कॉलिन मुनरो, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अब जिन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने यह स्कोर किया है, जिन्हें अब हम विंडीज बोलते हैं. इन्होंने 53 बालों पर 104 रन मारे थे, जिसमें उनके 3 फोर 10 सिक्स शामिल थे. नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज मेड इट्स लोगो हाइलाइटिंग द बिस्वा बंगला थीम विद अशोका पिलर. तो कौन से स्टेट ने यह लोगो बनाया है, ये बनाया है वेस्ट बंगाल ने. ऑप्शन थ्री है इसका आंसर, वेस्ट बंगाल. विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क. ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई, कि कौन से देश ने, वर्ल्ड का पहला देश बना है जिसने लीगलाइज कर दिया है इक्वल पे मैन और वुमेन के लिए, सेम वर्क के लिए, सेम समय के लिए. ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंट्री पहला बना है, वो बना है आइसलैंड. ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, आइसलैंड हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज इक्वल पे. विच स्टेट अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ 24/7 गुड़िया हेल्पलाइन फॉर रिपोर्टिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो कौन से स्टेट ने यह 24/7 गुड़िया हेल्पलाइन जो है शुरू की है, जो आजकल वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने. ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश. देखिए ये जो गुड़िया है, ये निकनेम दिया गया था किसे, एक 16-year-old रेप विक्टिम थी, ठीक है, उसको यह नेम दिया गया था गुड़िया. और ये जो ऑपरेशन चलाया है हेल्पलाइन 24/7, ये चलाया है हिमाचल प्रदेश ने. और एक और इसमें बात है, ये जो गुड़िया क्राइम सेल्स होगा जो इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक किया जाएगा मंडी में, एक शिमला में और एक कांगड़ा के अंदर, ये भी ध्यान देने वाली बात है. नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री होस्टेड द हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018. तो कौन सी कंट्री ने हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 लगा था, तो ये लगा था आपका नेपाल के अंदर. ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, नेपाल, नेपाल के काठमांडू में लगा था ये. नेक्स्ट है आपका, Which space agency has announced that it would launch two missions, Gold and Icon, during 2018 to explore the little understood area of 96 km above Earth's surface. तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि वह 2018 में एक मिशन गोल्ड और दूसरा आइकन लॉन्च करेगी, जिसमें वह क्या करेगी, जो अर्थ का 96 किलोमीटर तक का एरिया है उसको स्टडी करने के लिए. तो कौन सी एजेंसी ने किया है, ये किया है नासा ने. ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, नासा. नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च हाई रिस्क प्रेगनेंसी HRP पोर्टल विच हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंट केसेस एंश्योर्स timely referral of such cases to civil hospital for further management and delivery by specialist. तो कौन से भारत का पहला राज्य है जिसने high risk
पोर्टल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया है, जिसमें क्या हो सकता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको जो अर्ली प्रेग्नेंट की रिस्क होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, उनका पता लगाया जा सके और उनको टाइमली रेफर करके उन रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। तो कौन सा ऐसा पहला राज्य है, तो ये हरियाणा, हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, जिसने एचआरपी पोर्टल शुरू किया है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इन स्पेस शटल एंड वॉक ऑन द मून, तो कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति बना है जो स्पेस शटल में गया और वॉक ऑन द मून, तो इसका आंसर है आपका जॉन यंग। वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, फर्स्ट ह्यूमन टू फ्लाई स्पेस इन 6 टाइम, 6 बार गए थे, ठीक है। उनका जो फर्स्ट मैन्ड मिशन था वो था जेमिनी मिशन 1965 का, और वह पहले पर्सन बने थे जिन्होंने मून का ऑर्बिट था अपोलो 10 1969 को मून का ऑर्बिट में चक्कर काटा था उन्होंने, पहले ऐसे व्यक्ति थे वो। सो ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एस्टेब्लिश एट पुणे IITM विद पेटाफ्लॉप्स एज द मेजर ऑफ अ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो है पेटाफ्लॉप के अंदर। फास्टेस्ट कंप्यूटर है इंडिया का, एस्टेब्लिश किया गया है पुणे IITM के अंदर, तो उसका नाम क्या रखा गया है, RRBKALP एग्जाम के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा साइंस एंड टेक के प्रश्न उन्होंने ज्यादा प्रेफर किए हुए हैं उसके अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो इसका आंसर है आपका प्रत्यूष, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। उस कंप्यूटर का जो नाम रखा गया है वो है प्रत्यूष, जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर्षवर्धन, उन्होंने प्रत्यूष का इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसरो से जुड़ा क्वेश्चन है, इसकी भी जो है प्राथमिकता बढ़ जाती है एग्जाम में आने के लिए। तो इसरो के जो नए चेयरमैन है वो कौन है, इसरो के जो नए चेयरमैन है वो है सिवान के, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, डॉक्टर सिवान के, और ये 3 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व में वर्ल्ड हिंदी डे बनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 10 जनवरी 2018 को। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डे को बनाना, उसका उद्देश्य क्या होता है कि जिस डे को हम मना रहे हैं उसको प्रमोट करना, जैसे कि हम योग डे बनाते हैं, मतलब क्या है हमारा कि योगा को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखना, उसके बेनिफिट्स बताना, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना और वर्ल्ड में। तो उसी तरह हिंदी दिवस जो बनाया गया है उसका भी मुख्य जो थीम था वही था कि लोगों में अवेयरनेस जगाना हिंदी के प्रति उनको बताना। तो 10 जनवरी 2018 को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था, और जो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 10 जनवरी 1975 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 22nd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच सिटी, सबसे पहले तो आप ये समझिए जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है किसके याद में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और ये 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद डे बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। 5 दिन ये फेस्टिवल आपका चला था, 5 दिन ये फेस्टिवल कहाँ चला था, नई दिल्ली में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, और उस वहां पर जो मौजूद थे वो थे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के कॉलोनल राजवर्धन राठौड़, एंड चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के वहां पर योगी आदित्यनाथ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे महेश शर्मा,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका UIDAI लॉन्च वर्चुअल आईडी टू रिड्यूस प्राइवेसी इशू विच एन आधार कार्ड होल्डर कैन जनरेट फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। द वर्चुअल आईडी विल हैव हाउ मेनी डिजिट। तो सबसे पहले आप समझिए वर्चुअल आईडी क्या है। आप सभी जानते हैं अभी जो आप सिम का वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, यदि आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं और आपका जो है पूरी की पूरी डिटेल आधार से जुड़ी हुई उनके सामने आ जाती है, ठीक है। तो इसको कॉन्फिडेंशियल करने के लिए, इसमें और ज्यादा प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए UIDAI ने वर्चुअल आईडी को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है, आप UIDAI की साइट पे जाइए, वहां पर अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट कीजिए, आपको एक 16 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो आप अपने आधार कार्ड की बजाय उस नंबर का यूज कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सिम लेनी है, तो सिम के लिए आपकी जो वेरिफिकेशन होगी तो आप ये 16 डिजिट अपनी वर्चुअल आईडी का नंबर वहां पे दीजिए। उसमें जो सिम को वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वही शो होगी, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी रिवील नहीं होगी, इससे क्या होगा प्राइवेसी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 16 डिजिट का नंबर है आपका वर्चुअल आईडी, सो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स 2018। अभी अभी आपने न्यूज में देखा होगा विंटर ओलंपिक की शुरुआत कहां पर हुई है, साउथ कोरिया। सो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, साउथ कोरिया। और हाँ, इसमें एक और बात है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना भी एक डेलीगेशन भेजा है, किसके अंदर, विंटर ओलंपिक 2018 के अंदर जो हो रहे हैं साउथ कोरिया के प्योंग चैंग में। नेक्स्ट है आपका विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कंट्री टू हैव सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। रेलवे का पेपर है तो रेलवे से रिलेटेड प्रश्न होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई है कौन से रेलवे स्टेशन ने, ये लगाई है भोपाल रेलवे स्टेशन ने। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो 5 रुपए देकर जो है 2 नैपकिन इस वेंडिंग मशीन से प्राप्त कर सकती हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे की तरफ से। ऑप्शन 2 है इसका आंसर आपका। हाँ, इसको, इस मशीन को जो नाम दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस मशीन को नाम दिया है हैप्पी नारी, हैप्पी नारी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका Who is the first woman lawyer to be directly appointed as judge of Supreme Court? ये important है भाई, कौन सी ऐसी पहली महिला है जिनको directly appoint कर दिया है judge of Supreme Court? तो ये है इंदु मल्होत्रा, option 1 है इसका right answer। इंदु मल्होत्रा को directly appoint कर दिया है judge of Supreme Court। Next है आपका which of the following polar satellite launch vehicle carried 100 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से PSLV शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, PSLV कैरियर है ऐसा जो 100वां सैटेलाइट लेके गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो है आपका PSLV C-14। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। कहां से छोड़ा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। पीएसएलवी अपने साथ कैरी करके ये ले गया टोटल 31 सैटेलाइट, जिसमें से 3 वर इंडियन, 3 तो इंडियन सैटेलाइट थे, 28 सैटेलाइट्स फ्रॉम द 6 अदर कंट्री। 28 जो सैटेलाइट्स, तो वो बाकी 6 कंट्री हो गए थे। नेक्स्ट है आपका हु इज एडिटर ऑफ द बुक मजौली रिसोर्सिस एंड चैलेंजेस। तो मजौली बुक के राइटर कौन है, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं बुक से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मजौली रिसोर्सिस एंड चैलेंज जो एक बुक है वो अप्रिशिएट करती है ब्यूटी एंड चैलेंजेस ऑफ मजौली, जो कि आइलैंड है असम के अंदर, ठीक है। इस बुक में क्या किया गया है, इस बुक में जो है एसे का कलेक्शन हो गया, ठीक है, रखा गया है विद फोटोग्राफ मैप्स एंड डायग्राम एंड चार्ट्स के साथ। तो इसके, इस बुक को कंपाइल किसने किया है, इस बुक को कंपाइल किया है संजीव कुमार बोरकोटी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका एज पर डाटा कलेक्टेड थ्रू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 विच इज द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। नेशनल फैमिली
एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग, उसने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट और सबसे पुअरेस्ट, यानी कि सबसे अमीर और सबसे गरीब स्टेट राज्य कौन सा है? सबसे अमीर है दिल्ली और सबसे गरीब है बिहार। सो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। What is the rank of India on Global Manufacturing Index released by World Economic Forum? तो Global Manufacturing Index में भारत का कौन सा स्थान है? Global Manufacturing Index कौन जारी करता है? World Economic Forum। तो भारत का जो इसमें स्थान है वो है 30वां। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, 30th। When is the Indian Army Day celebrated in India? ये तो सिंपल है, आप सभी जानते हैं इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। जनवरी मंथ के क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स ये प्रश्न भी आपका बनता है इंपॉर्टेंट। जनरल के एम करियप्पा फर्स्ट आर्मी चीफ थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेम द क्रिकेटर हु वॉन द श्री सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2070 एंड आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2070 अवार्ड फॉर हिज अकॉम्प्लिशमेंट इन 2017। तो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसको इतने सारे अवार्ड मिले हैं अपनी 2017 की सारी अचीवमेंट के लिए? तो वो है, आप सभी जानते हैं, फेमस विराट कोहली। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। विच इंडियन सिटी होस्टेड द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 कौन सी सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है आपका लखनऊ में। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। हु इज ऑथर ऑफ द बुक द हर्ट फुलनेस वे? द हर्ट फुलनेस वे बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। द हर्ट फुलनेस वे के जो ऑथर है वो है कमलेश पटेल। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। और जो कमलेश पटेल है वो दाजी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेम द इंडियन नेवी सेल बोट विद एन ऑल वुमेन क्रू विच राउंडेड केप होर्न। ये प्रश्न आपका 2017 से चलता आ रहा है, ठीक है, जब सितंबर के आसपास इन्होंने अपना जो यात्रा शुरू की थी, ठीक है। तो ये है INSV तरिणी। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर जो सारा का सारा क्रू मेंबर है वो सारी की सारी क्या है, वुमन है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। जो वुमेन टीम है उसकी कमांडर कौन है? वर्तिका जोशी। कौन है? वर्तिका जोशी। बाय डिफीटिंग होम इंडिया वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम इन यूएई। यूएई के अंदर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने, जो ब्लाइंड टीम है भारत की, उसने 2018 का वर्ल्ड कप जीता है कौन सी टीम को हराकर? पाकिस्तान की टीम को हराकर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, पाकिस्तान। भारत ने पहले भी T20 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान को हराकर 2017 में फाइनल में। और जो ब्लाइंड टीम के कैप्टन हैं इंडिया के वो कौन है? अजय रेड्डी। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ओम प्रकाश रावत। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। ओम प्रकाश रावत कौन से चीफ बने हैं, कौन से नंबर के? 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। कौन? ओम प्रकाश रावत। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने एके ज्योति को रिप्लेस किया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द 2018 वुमेन्स वर्ल्ड T20? तो वुमेन्स वर्ल्ड T20 का आयोजन कौन से देश में होगा? वेस्ट
इंडीज, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, वेस्ट इंडीज में होगा। और ये जो आपका टूर्नामेंट है ये 9 से लेके 24 नवंबर 2018 तक चलेगा। वेयर डिड एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 हेल्ड एट, तो 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो 2017 का आपका एग्जाम था उसमें एक एग्जाम में मैंने पढ़ा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड एक प्रश्न, जो इसकी एनुअल मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है, वो हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। और ये मीटिंग आपकी चली थी 23 जनवरी से 26 जनवरी 2018 तक। हाउ मेनी चीफ गेस्ट ग्रेस्ड द 2018 रिपब्लिक डे, कितने चीफ गेस्ट टोटल आए थे 2018 रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसके अंदर, तो टोटल 10 चीफ गेस्ट आए थे अब की बार रिपब्लिक डे परेड पर। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द पिक्टोरियल बुक दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, बुक आई है नवी दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, किसकी बुक है ये है शीला दीक्षित की, ऑप्शन 5 है इसका राइट आंसर शीला दीक्षित। Which state assembly has decided to introduce digital budget in its upcoming session instead of conventional printed booklet? भाई जो budget होता है आमतौर पर वो है जो print pages होते हैं उनको represent किया जाता है, ठीक है, तो कौन से state ने यह decide किया है कि उसका जो आगामी budget होगा वो digital budget होगा, ये important है भाई, most important question है, तो वो है Assam, option 2 है इसका right answer। Winbacks, a 6-day long military exercise is signed between India and which other country? Winbacks, जो exercise है वो कौन सी दो country के बीच में है, India और Vietnam के बीच में, option 2 है इसका right answer। ये आपकी 6-day military exercise है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेम द ई मार्केट प्लेस पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट विच विल प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड एंड इम्प्रूव कैटलॉग मैनेजमेंट पावरफुल सर्च इंजन डिमांड एग्रीगेशन यूजर रेटिंग एंड एनालिटिक। तो ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने वो कौन सा है, वो है जेम 3.0, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के जनवरी मंथ के, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आपका एएलपी का एग्जाम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।